तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जब से आई है बुज़दार हुकूमत, दो सालों में दो बड़े लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू किए गए। एक प्रोजेक्ट जो है वो फरदोस मार्केट अंडरपास, जहाँ पे मौजूद हूँ, वो अंडरपास बनाने का मंसूबा शुरू किया गया। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो गुज़श्ता हुकूमत ने शुरू किया था इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसके बाद मुकम्मल करने का ठेका जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का था। तो उसके बाद वो मंसूबा है जो लाहौर का एंट्री गेट है, लाहौर का दाखिली रास्ता जिसे कहते हैं ठोकर न्याज बेग, उसे बाबे लाहौर बनाने का मंसूबा जो है शुरू किया गया था। दोनों मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। बाबे लाहौर की तारीख जो है वो तकरीबन तीन मरतबा दी गई डेडलाइन, लेकिन वो ताखीर का शिकार है। और फरदोस मार्केट अंडरपास जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, इसकी भी तारीख जो है 4 सितंबर 2020 दी गई थी। 4 सितंबर गुजर गई है, लेकिन मंसूबा जो है अभी जूं का तूं वैसे ही है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी जो है मशीनरी काम कर रही है। अभी काफ़ी वक्त लगेगा इस मंसूबे को मुकम्मल होने में, क्योंकि अभी मशीनरी काम कर रही है, अभी जो सर्विस लेन जो है तैयार होनी है, अभी जो अंडरपास की सड़क है वो भी अभी नामुकम्मल है। और जो तारीख पहले दी गई LDA की जानिब से, पहले आपको वो सुनाते हैं जब हमने पहले यहाँ पे प्रोग्राम किया कि वो तारीख क्या दी गई थी, आइए सुनिए। मुझे सर ये थोड़ा सा ये बता दें कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या आप देखते हैं, कब तक ये जो जब ये इनॉग्रेट हुआ मैं भी यही मौजूद था, तो हमारा बेसिकली जो वर्क ऑर्डर का टाइम है वो 4 माह का है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंगली आपने 5 जून को शुरू किया तो ये बनता है 5 अक्टूबर। लेकिन CM साहब जहाँ तशरीफ लाए और CM साहब ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट हमने 90 डेज में करना है, ठीक है, तो हमने उसी बात को अभी फोकस किया हुआ है। आपने LDA की इंतजामिया का मौकफ सुना जो इससे पिछले प्रोग्राम में उन्होंने दिया, उसमें कहा गया कि 4 सितंबर 2020 को फरदोस मार्केट अंडरपास मंसूबा जो है मुकम्मल हो जाएगा, बल्कि वजीर आला साहब इसका इफ्तिताह कर देंगे, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं हुआ। और अब हम आपको ये विजिट करवाएंगे फरदोस मार्केट अंडरपास कि इसमें सूरत हाल क्या है, काम कितना रहता है, LDA का मौका भी जाने के, और जो राहगीर यहाँ पे जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इतने अरसे से तकरीबन 4 माह से ट्रैफिक भी जो है बंद है, उनको जो है वो तराफ की तरफ जो है भेज दिया जाता है। अब सूरत हाल का ज़्यादा लेते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। से बात करते हैं जी, जो राहगीर हैं गुजर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से कैसे गुजरते हैं? ये रास्ता तो बंद किया गया है, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम गुजरते हैं, बहुत सी मुश्किल हमें पेश आती है। इन्होंने ये नहीं कि प्रॉपर एक सेटअप नहीं, मतलब तरीक़ेकार के साथ मुझे चाहिए था काम करना, जैसे कि अब ये काम कर रहे हैं तो इनका टोटली आल टू सेट बंद करना चाहिए, और एक टाइम लिमिट और टाइम लिमिट के हिसाब से बंदा काम करेगा, इतने टाइम में इतना काम होगा, ठीक है। इन्होंने 2 मंथ का टाइम लिया अभी, तो अभी तकरीबन आई थिंक कोई 4 सितंबर डेडलाइन थी, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, नहीं मुकम्मल हो पाया, तो इससे इनको कुछ नहीं है, इन्होंने पैसे खा लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मुश्किल हम जैसे लोग जो राहगीर है जो गुजर रहे हैं, हाँ जी, उनको होती है। तो आपको और रास्ता इस्तेमाल कर ले, आप यहाँ से क्यों मजबूर हैं जाने पर? मजबूर क्योंकि ऊपर से हमें ऊपर से रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि इतनी मुश्किल पेश आती है, इस वजह से फिर हम तो ये आपको कहते नहीं कि आप कहीं और चले जाए, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये इनको चाहिए था कहना कि मतलब इनको इनको अपना काम करना चाहिए कि बंद करें रास्ता, प्रॉपर बंद करें, को कोई आ जा ना सके, लेकिन लोग आ जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी, लोग आ जा रहे हैं जी, राहगीर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवार भी आ रहा है, ये भाई भी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। यहाँ से गुजरते रहते हैं जी भाई? यहाँ डेली रात को आते हैं, सुबह के टाइम जाते हैं यहाँ से, तो बहुत मुश्किल होती है, खड्डे वगैरह भी यहाँ पे बहुत बड़े हुए हैं, पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, यकीन करें इतना इतना पानी खड़ा है, ना बंदा जा सकता है ना आ सकता है, इन्होंने बंद करना है कम्प्लीट, इसको बंद करें, आवाम को भी पता हो कि रास्ता बंद है, यहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, दूसरा रास्ता इख्तियार करें, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल तो आप ना गुजरे, आपको पता काम हो रहा है, आप किसी और जगह से गुजर रहे हैं, खुला होता है, हमें यही होता है कि चलो यार यहाँ से ही चले हैं, नज़दीक रास्ते से गुजर जाते हैं, रास्ता खुला हुआ है,
कंप्लीट बंद होगा, कोई ऊपर से टाप के तो नहीं आएगा, हर बंदे को पता ही होगा। कोई डायवर्जन नहीं लगी आपको, बताया नहीं जाते जो ट्रैफिक वार्डन है कि आप दूसरी तरफ से आ जाएं? कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ गोल चक्कर के पास वहाँ पे उन्होंने लगाया कि यहाँ पे अंडर पास की तामीर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे पीछे बाती से निकलो आपको कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई तामीर हो रहा है या कोई काम हो रहा है, एहतियात करें या दूसरा रास्ता इख्तियार करें। यहाँ पे कोई उन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं दी, कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं जी, आप यहाँ से गुजरते रहते हैं? हाँ जी। क्या आप कितनी दफा गुजरते हैं, कितनी मुश्किलात है? मैं यहाँ से गुजरता था ना, तब ये सब्जी देखा सब्जी वहाँ से वहाँ पर पड़ी है, उस वजह से गुजरना चाहता है, मुश्किल पैदा होती है। मुश्किल पैदा होती है जी। आप देख सकते हैं इस तरफ मार्केट भी है और राहगीर गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप यहाँ से गुजरते रहते हैं, कितनी मुश्किल आती है, कब से ये काम शुरू हुआ है? तकरीबन 2 माह से ऊपर हो गया। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? 4 तारीख गुजर गई, 4 सितंबर थी कि इसको वो बना देंगे, लेकिन नहीं बना जी। टाइम तो लगता है जी, काम टाइम लगता है। आप मुतमिन है काम से जी? तो लेकिन जो राहगीर गुजर रहे हैं कोई मसला तो नहीं हो रहा उन्हें? मसला तो होता है। क्या क्या परेशानियाँ बताएं जरा? परेशानी आपके सामने है, देख लें, गुजरने का मसला है। अच्छा, आप दूसरी तरफ से क्यों नहीं गुजरते, आप क्यों दरमियान में से गुजर के जाते हैं? बस शॉर्टकट की वजह से। शॉर्टकट की वजह से, हमारी कौम शॉर्टकट ढूंढती है, बस ऐसे करती है। तो आप मैसेज दे दें कौम को, शॉर्टकट ना ढूंढे। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, शॉर्टकट में जो रास्ता उस पर जाना चाहिए, लेकिन इस तरह शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। देखिए जी, ये खुद ही कह रहे हैं कि शॉर्टकट की वजह से लोग जो है ना वो यहाँ से इस तरह गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप यहीं पर रहते हैं? अच्छा, यहाँ से गुजर क्यों रहे हैं आप? जा रहा हूँ आगे। मेरी बात तो सुन ले, नाराज है मेरे से? नहीं। अच्छा, गुजर क्यों रहे हैं यहाँ से? आपको पता नहीं रास्ता बंद है, काम हो रहा है, आप दूसरी तरफ से आ जाएं। काम हो रहा है, मैं याद नहीं रहा। अच्छा, याद नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे काम के बारे में? बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप यहीं पे गुजरते रहते हैं जी? नहीं, ये मार्केट पे सामने होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कितनी मुश्किल होती है जब आम बंदा यहाँ से गुजरता है? मुश्किल तो होती है सर जी, लेकिन बाद में आसानियाँ भी तो होंगी ना। बाद में आसानियाँ हमारे लिए होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी थोड़ी तकलीफ उठाएंगे तो कल को हमें सहूलतें मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, घर में भी अगर कोई बड़ी किसी की बात बर्दाश्त करेंगे कल को हमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात जी इसी काम का भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसकी 4 सितंबर डेडलाइन थी कि ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका, तो आप क्या समझते हैं ये तखीर हुई है, ये कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार देखें सर, ये घर की एक दीवार भी बनानी हो ना जी, जी तो बंदे के जहन में यही होता है कि 5 दिन में मुकम्मल हो जाएगी जी, लेकिन जी। उसको 10 दिन लग जाए। नहीं, इन्होंने पूरा वर्क करके कहा कि 4 तारीख को बन जाएगा, 4 सितंबर 2020 को सुबह बन जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अगर पुरानी हुकूमत होती, शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते, जल्दी बन जाना था, तब भी यही हाल होना था? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि हो सकता है उस टाइम जल्दी होता। अच्छा, क्योंकि वो सर पे खड़े होके भी चक्कर लगाते रहते थे। तो बुज़दार साहब भी कभी नजर आए यहाँ? वो तो टीवी पे ही नजर आते हैं बस, टीवी पे नजर आते हैं कभी कभी। क्या कहेंगे वज़ीर आला साहब के बारे में? यही कहेंगे, वो भी आके देख लें था कि क्या को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है, आवाम को पता चले वाकई काम हो रहा है। वज़ीर आला साहब चक्कर लगा रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अच्छा, तभी कुछ हो सकता है। चले जी, मेहरबानी जी, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? गुजरते रहते हैं यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बताएं कि मुश्किल तो नहीं होती गुजरने में, काम हो रहा है यहाँ, रास्ते बंद है? मुश्किल तो होती है, रास्ता खराब है इधर, मुश्किल तो होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देते हैं? मैसेज ये देता हूँ कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए, मुकम्मल किया जाए, आवाम की परेशानी खत्म हो। 4 सितंबर आखिरी तारीख थी, गुजर गई, हुकूमत ने कहा था ये बन जाएगा, लेकिन नहीं बन सका जी। जी, तो आप क्या कहेंगे, कौन कौन जिम्मेदार है, ये तखीर का शिकार है मनसूबा? जिम्मेदार तो हुकूमत ही है, या बल्कि ठेकेदार है? ठेकेदार जिम्मेदार है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, चले जी, मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप रोजाना गुजरते रहते हैं जी? जी, तो परेशानी होती है कि ठीक काम है? परेशानी तो होती है। क्या परेशानी होती है? के लिए रास्ता नहीं ठीक, परेशानी तो होती है। तो आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। दूसरा कैसे कर लें, जाने का अगर इधर जाना होता है तो दूसरा वक्त ज़ाया होता है। वक्त ज़ाया होता है, तो इस मनसूबे के बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो बेहतर है कि जल्द हो जाए, तो मुनासिब है। अब ये लेट हो गया है, जो इन्होंने कहा था तब ये नहीं पूरा हुआ, लेट हो चुका है। तो क्या कहेंगे इस बारे में, कौन जिम्मेदार है? सारी गल है, काम है, हुकूमत ही जिम्मेदार होती है। मैसेज देंगे काम करवाते हैं वो, अगर मजदूर को मजदूरी मिले तो वो काम करेगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मजदूरी नहीं मिलती इनको, अगर टाइम पे मिले तो वो काम करे ना? आपके ख्याल से मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती, जिसकी वजह से काम लेट होता है? काम लेट हो जाए। चले जी, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? हेलमेट जरा थोड़ा सा शीशा लेट हो रहा है, रुक जाता है। अच्छा, लेट तो यार रास्ता दूसरा इख्तियार कर दे, अच्छे वाला। कौन सा वाला? आप अल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, यहाँ तो काम हो रहा है, आप काम में से गुजर के जा रहे हैं। काम के लिए रास्ता बनाया? कौन सा रास्ता? ये तो काम का रास्ता है।
अल्टरनेटिव जो है सर्किट डाइवर्जन लगी हुई है उस पर चल जाए जी, आप बताएं ना, शीशा ऊपर करेंगे तो आपकी बात समझ आएगी लोगों को। नहीं मुझे ना यहाँ पे कोई क्या कहते हैं साइन बोर्ड्स मेंशन है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हो। अच्छा, तो जब लोग इस यही दरमियान वाले चीज़ें फॉलो कर रहे हैं इसका क्या कह सकते हैं? आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं कि ये ठीक रास्ता है यहाँ इस फॉलो करना चाहिए? क्या मैसेज देते हैं, मनसूबे के बारे में क्या कहते हैं? सुबह का सबसे पहले बात यह है कि आपने अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो उसका अल्टरनेटिव जैसे बाहर किया जाता है हर जगह पे बताया जाता है वैसे बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव बताया नहीं कि आप अंदर जाके गलियों की हालत देखेंगे तो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बंदा भी आता है तो उसको नहीं पता मैंने कैसे कहाँ जाना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अच्छी बात होगी अगर आपके भी सुबह कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका अल्टरनेटिव पहले बताएं। अब नहीं है तो उसमें यह है कि अगर आप यहाँ से मना करना चाहते हैं तो देखेंगे जगह खुद बनाई भी इन्होंने। अच्छा, जाने के लिए आपको रास्ता नजर आ रहा है। ठीक है, उसको पक्का बंद करेंगे तो फिर लोग जाएंगे, मतलब लोग जो है शॉर्टकट तो ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे। हमारी कौम को शॉर्टकट ढूंढने की आदत है। ये कौम की बात नहीं है, सिंपल ये हालात की बात है। आपने हालात ऐसे पैदा करके कौम को ऐसा बना दिया, आप हालात अच्छे देंगे तो लोग अच्छे। हालात अच्छे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं बड़ा अच्छा हालात कर रहे हैं मुल्क के। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एफर्ट्स किए हैं उसके मुताबिक हालात बेहतर कुछ जगहों पे हुए भी हैं, कुछ जगहों पे नहीं भी हुए। ठीक है, अब इसको आप एग्रीगेट करके देखेंगे तो फिर जीडीपी आप देखें। अभी मुझे रेगुलर इसके बारे में नहीं पता इतना कि इसका मैं कोई अच्छा आंसर कर सकूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? आप यहाँ से गुजरते रहते हैं जी? मुश्किल नहीं पेश आई कभी? गुजर सर मुश्किल तो आती है। बताएं ज़रा क्या मुश्किल पेश आती है? सर जी यहाँ पे वो ज़रा गंद होता है, चिक्कड़ वगैरह होता है, पानी खड़ा होता है इधर, तो बहुत मुश्किल से गुजरना होता है। जैसे बाइक सारी ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। आपने सुना अभी मशीनरी जो है इस मंसूबे पे काम कर रही है, अंडरपास की भी जो तमीर का जो है वो काम हो रहा है। मेरे दोनों तरफ में आप देखें, दोनों तरफ पे जो है वो लेबर भी काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? भाई जान मुझे बताएं काम क्या मसला क्या है, क्यों? मैं तो एक सेफ्टी का आदमी। अच्छा, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप, बताएं जरा? मेरी सेफ्टी की ड्यूटी। क्या ड्यूटी कर रहे हैं? मैंने कंपनी ने बोला कि कंपनी जॉब दे, मैं नहीं। अच्छा, और कंपनी ने मना किया। आपकी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी सेफ्टी की है। सेफ्टी को क्या? सेफ्टी, सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी की है। क्या सेफ्टी मेजरमेंट है मुझे थोड़ा बताएं जरा, गाइड करें जरा। डिवर्जन बनी हुई है, लोगों को जो रास्ता हमने दिया हुआ है। अच्छा, नहीं तो कल कंपनी रास्ता बंद करके काम करती है, फिर भी आवाम के लिए रास्ते खोले हुए हैं। अच्छा, कि तंग ना हो। ठीक है, मोटरसाइकिल वाले पैदल जो भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि मंसूबा तखीर का शिकार क्यों हुआ, क्या वजूहत है? कि ये तो कंपनी दे सकती है। नहीं, आप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तीन माह हो गए। आपको क्या लगता है, आपका तजर्बा क्या कहता है, क्यों तखीर हुई है? तखीर नहीं हुई। अच्छा, 4 सितंबर तारीख दी गई थी, इस्तेदा हो जाएगा। सामने कुदरती आफात भी आती हैं, बारिशें आई हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लेट हुआ है, इतना भी ज्यादा भी नहीं हुआ जी। जी, फिर भी ये टाइम से पहले हो रहा है मुकम्मल। नहीं, टाइम से पहले तो नहीं ना हो रहा है, 4 सितंबर तो गुजर गई है, आप कैसे कह सकते हैं टाइम से पहले? मुझे ये बता दें आपका तजर्बा क्या कहता है, कितनी देर तक ये काम हो जाएगा? सर इसका मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं तो अपने काम के मुताबिक। आपका काम कब तक खत्म हो जाएगा? हमारा काम जब तक कंपनी का काम है तो हमारा भी साथ है। आपका कोई तजर्बा नहीं, आप नहीं समझ आ रही कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इंजीनियर वगैरह और LDA वगैरह जवाब दे। अच्छा, चले मेहरबानी जी। ठीक है जी, आगे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, रास्ता काम हो रहा है, आप यहाँ से रिक्शा गुजार रहे हैं? सर हम कहाँ जाएं, किस साइड पे जाएं? आप दूसरा रास्ता सड़क को इस्तेमाल कर लें, बहुत लंबा पड़ता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मनसूबा लेट हो गया, नहीं जल्दी मुकम्मल बन सका, इसके बारे में क्या कहते हैं? मनसूबा टाइम नाल बनया केड़ा है? अच्छा, कोई भी नहीं बनया, कोई भी नहीं बनया, क्या केड़ा नहीं बनया इन्हां कोल? कोई भी नहीं बनया, सारा सर झूठ ही मार सकते ने, और इस तो अलावा कुछ नहीं कर। कौन झूठ बोल रहे? सारे घूमो दी झूठ बोल रही है, इन्हां चो सच्चा केड़ा है? की झूठ बोलिया दसो जरा? ऐ वेखो ना, उन्होंने 4 तारीख दा कहा है, कितनी तारीख हो गई, केड़ा इन्होंने कामयाब करता? ठीक है, इन्हां ने आटा चीनी हर चीज इन्होंने केड़ा साडे वास्ते कुछ सुन लग गया? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ? ਸਹੂਲਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ।
लेकिन टाइम से खत्म होना चाहिए ना सर, अपना कवर करना। बिल्कुल जी, तुसी बिल्कुल बजा फरमा रहे हो जी। ने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली करेने मशीनरी रात को काम करने के लिए जो है फ्लड लाइट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, और लेबर जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनसूबा तखीर का शिकार है। आपके सामने जो आपने आम आदमी की बात सुनी, उनका ये कहना है, आम लोगों की राहगीरों की बात सुनी कि ये मंसूबा जो है तखीर का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं कि ठेकेदारों की नहरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम मुकम्मल जल्दी करते ही नहीं, गुज़श्ता हुकूमत होती तो शायद वो जल्दी कर देती। मिला जुला जो है रद्द अमल जो है हमने देखने को मिला है। ये सूरत हाल है फरदोस मार्केट अंडरपास की, जो कि मंसूबा तखीर का शिकार है। एल डी इंतजामिया की जानिब से 4 सितंबर 2020 की तारीख दी गई थी, लेकिन वो गुजर गई। और इसके बाद हम आपको ले कर जाएंगे ठोकर न्यास बेग बाबे लाहौर जो बन रहा है, वो भी दूसरा मंसूबा है पंजाब हुकूमत का जो तखीर का शिकार है। वहाँ जाके आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एल डी ए इंतजामिया से बात करेंगे कि आखिर ये मंसूबे तखीर का शिकार क्यों हुए, क्या फंड जारी नहीं हुए या कोई और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से मंसूबा तखीर का शिकार हुआ। क्या वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।